अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टीम, जो कि फॉइल पेपर में मैं बनाऊँगी। और बहुत बेसिक से मसाले जो हैं वो उसमें मैं ऐड करूँगी। उसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी, सिंपल सी, इजी और बहुत मज़े की। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था। यहाँ पे चिकन लेग पीस है, और मतलब ये चिकन थाई पीस था, तो इसे जो है वो मैंने कुछ कट करवा लिया है कुछ इस तरह। और ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसे अच्छी तरह मैंने वॉश कर लिया है। और चिकन लेग पीस भी हैं इसमें, इसके साथ आप चाहें तो बोनलेस भी बना सकते हैं, बट ये है कि बोन्स के साथ बनाएं तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी जो मैरिनेशन है और इसका फर्स्ट मेथड क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो है चिकन मैं ले रही हूँ, सबसे पहले जो है चिकन पे मैं लेमन स्क्वीज करूँगी। ठीक है, ये मैंने वन लेमन लिया है, और वन लेमन जूस जो है इसमें स्क्वीज करेंगे अच्छी तरह। ठीक है, चिकन पे लगा के इसमें थोड़ी देर के लिए जो है वो मैंने पानी डालना है, पानी शामिल करना है। आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो है लेमन यूज़ किया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पानी इसमें डाल के छोड़ दूँगी मैं। ठीक है, इसे होगा कुछ यूँ कि हमने जो पानी इसमें शामिल किया है तो जो भी ब्लड है या जो कुछ भी है इसमें जो स्मेली एक फीलिंग होती है वो नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो 20 मिनट्स के लिए जो है मैंने इसे पानी में रख दिया है विद लेमन। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग अदरक लहसुन भी जो है इसमें मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, उसके साथ पानी में डालते हैं, लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं करूँगी, बाकी स्पाइसेस के साथ इंशाल्लाह उसे यूज़ करेंगे। और इसकी रेसिपी कार्ड जो है वो इंशाल्लाह मैं मेंशन कर दूँगी आपको। ठीक है, तो 15 मिनट्स के बाद जो है इसे देखते हैं। अच्छा, 15 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं, आप हाफ आवर के लिए भी रख सकते हैं। और अभी मैं जो है इसे नेट पे रख दूँगी सारे चिकन के पीसेस को, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा वाटर जो भी है वो निकल जाए। ठीक है, तो हाफ आवर के लिए रख दें तो बेस्ट है। फिलहाल मैंने जो है अभी 15 मिनट्स के लिए जो है इसे रखा था, और अच्छी तरह इसका पानी जो है ड्रेन हो जाए, उसके बाद जो है इसकी मैरिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पानी में इस तरह रखना लेमन जूस के साथ या सिरके के साथ बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो बस सारा पानी जो है इसका नेट पे मैंने रख दिया है, निकल जाए तो फिर सारे स्पाइसेस जो भी हैं हम मिक्स करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने योगर्ट ले लिया है। अच्छा, योगर्ट हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है, ये 4 to 5 स्पून होगा तकरीबन। तो यहाँ सबसे पहले हम योगर्ट ऐड करेंगे, और इसमें तकरीबन पिंच जो है फूड कलर मैंने ऐड किया है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी इसमें मैं। और नमक जो है हसबे जायका, और यहाँ पे पिसी मिर्च ले लेंगे, पिसी मिर्च और पेपरिका पाउडर। ठीक है, और ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करेंगे। धनिया पाउडर, चाट मसाला, और ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है। ठीक है, और यहाँ पे सोया सॉस, सोया सॉस तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये चिली सॉस, चिली सॉस भी जो है तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। और सिरके के बजाय जो है वो मैं यहाँ पे लेमन यूज़ करूँगी। ठीक है, और लेमन तकरीबन लेमन जूस आपने जो है वो 1 यूज़ करना है। और अच्छी तरह जो है सारे मसाले सारे स्पाइसेस जो हैं हम मिक्स करेंगे। ठीक है, और ये सारे जो हैं होममेड मसाले हैं, घर के मसाले हैं, पाउडर स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, अच्छी तरह सारे मसाले को मिक्स करेंगे।
अब सारे मसाले चिकन पे जो है अच्छी तरह हम कोट कर लेंगे सारे मसाले। ठीक है, ये जो हमने कट लगाया था और इसकी मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तरह कट में, और इस तरह जो है ना आपने मसाले जो है इसमें मिक्स करने हैं, लगाने हैं इसमें। और मिक्स करके भी जो है वो मैं हाफ आवर के लिए जो है इसे रख दूँगी ताकि अच्छी तरह स्पाइसेस और जो है इसमें मिक्स हो जाएं, क्योंकि हम स्टीम करेंगे चिकन को तो ये हमें उबली हुई चिकन जो है वो बिल्कुल भी ना लगे। अच्छा, इससे जो है आप इसे मतलब जो मैंने लेमन में पानी ऐड किया था, शामिल किया था, तो आप जो है हल्का सा इसे फ्राई भी कर सकते हैं, उससे और भी अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। बट अभी जो है वो मैंने डायरेक्टली जो है इसमें मसाला जो है मिक्स कर दिया है, लेकिन मैं इसे जो है टाइम दूँगी ताकि अच्छी तरह जो है मसाले इसमें मिक्स हो जाएँ। ठीक है, अच्छा यहाँ सारे मसाले जो हैं वो मैंने चिकन पे अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर दिए हैं, और आप इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि जब मैंने इसमें लेमन से जब पानी से इसे चिकन को निकाला था तो इस स्टेज पे अगर आप फ्राई करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट मैंने डायरेक्टली जो है वो मिक्स कर दिया है मसाला, और अभी फॉइल पेपर जो है इस पर कवर नहीं करूँगी उस वक्त तक जब तक इसमें अच्छी तरह फ्लेवर इन मसालों का ना आ जाए। ठीक है, तो 20 to 25 मिनट्स के लिए जो है मैं इसे थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, उसके बाद जो है फॉइल पेपर में इसे पैक करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो है 20 मिनट्स हो चुके हैं, यहाँ पे फॉइल पेपर जो है जितने चिकन के पीसेस थे तो वो मैंने जो है कट कर लिए हैं कुछ इस तरह स्क्वायर में। ठीक है, आपने करना कुछ यूँ है कि जितने भी चिकन के आपने पीसेस रखे हैं उस हिसाब से जो है वो आपने कट करना है ताकि अच्छी तरह जो है वो चिकन जो है हमारी कवर हो जाए इसमें। ठीक है, मसाला इसमें ऐड कर दिया मैंने, अच्छी तरह जो है हमने इसे कवर करना है ताकि स्टीम जो है वो अच्छी तरह बन सके। ठीक है, और एक अच्छा जो शादियों वाला जो इफ़ेक्ट होता है स्टीम चिकन का वो हमें मिल सके। ठीक है, इस तरह बिल्कुल आपने इसे पैक करना है। ठीक है, ताकि स्टीम अच्छी तरह बन सके। इसी तरह हमने ये थाई पीस लिया है इसके, इसे भी हमने इसी तरह से कवर करना है। ठीक है, और यहाँ पे सारी चिकन जो है उसको रैप कर लिया है मैंने फॉइल पेपर में कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा इसमें जो है मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी रख दिया है, अच्छा इसमें थोड़ा सा पानी मैंने रख दिया है था गर्म होने के लिए, एक लेमन इसमें ऐड करूँगी और यहाँ पे कुछ गर्म मसाले हैं वो ऐड करूँगी, और यहाँ पे मैंने ये स्टीमर रख दिया है। ठीक है, पानी इतना लेना है कि इस स्टीमर से जो है वो ऊपर ना आए, और फिर इसमें जो है वो मैं चिकन से ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसे जो है वो मैं 20 मिनट्स के लिए जो है 20 to 25 मिनट्स के लिए जो है बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूँगी ताकि अच्छी तरह स्टीम बन जाए और चिकन जो है हमारी अच्छी तरह जो है वो कुक हो जाए। ठीक है, तो 25 मिनट्स के लिए जो है वो मैंने इसे जो है कवर करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, उसके बाद जो है वो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। आप ये देखें काफ़ी अच्छी सी स्टीम आ रही है, काफ़ी अच्छी स्टीम बन चुकी है, और यहाँ पे जो है 25 मिनट्स में जो है ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो चलें फिर एक जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कितना अच्छा और ये जूसी सा जो है वो चिकन लेग हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, और स्टीम आ रही है अभी भी, ये देखें आप, तो ये काफ़ी अच्छा सा ये देखें आप। ठीक है, और ये सब बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म है, तो
तो आप ये देखें इसमें ब्लड वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है और इतनी अच्छी तरह जो है ये स्टीम में कुक हो चुका है 25 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो चलें इसी तरह जो है थाई पीस है उसे भी चेक कर लेते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और हमने इसमें सिर्फ ये देखें हम, ये देखें कितना अच्छा सॉफ्ट सा जो है ये रेडी हो चुका है और काफ़ी जूसी बना है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद है पसंद आई होगी। अच्छा, एक बार और कहनी सी थी आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। बहुत मेहनत से वीडियो जो है वो हम बनाते हैं, आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।